तो अभी हम आ चुके हैं और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो कि है GT Force ड्राइव ड्राइव द चेंज। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे मॉडल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी खासी निकल के सामने आ रहा है। तो कुछ GT Force ड्राइव द चेंज को इसके साथ मिल जाता है, यहाँ पर आपको लाइटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। और इस साइड भी चले तो आपको एक जो है TVS Encore के जैसा आपको फीलिंग आएगा, क्योंकि इसका जो लाइटिंग है सेटअप किया गया वैसे ही आपको DRL का लुक दिया गया, बट ये DRL नहीं है, फ्रेम का लुक दिया गया। यहाँ पे आपको LED में सारा कुछ देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, टेलीस्कोपिक फुल सस्पेंशन दिया गया, बाइक का लाइटिंग को हम ऑन कर दिया। तो आपको एक बार ऑन करके ये ऑन हो पाते हैं, ऑन करें इसको सर, इसको लाइट वगैरह क्या ये लोग हाई बीम पे। अच्छा, ये हाई बीम लो बीम का हो जाता है। और यहाँ पे क्या लाइटिंग का है ये? ये वाला कौन सा है? ये इंडिकेटर वगैरह है? ये डिस्कनेक्टेड है, बट यहाँ पर लाइट दे सकती है। इस साइड में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये हो जाता है ब्रेक रेस्ट जो PM के लिए जो ब्रेक में पीछे की लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है, इस साइड में देखने को मिल जाता है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलता है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। जिनके फोर्स के एक और मॉडल की तरफ से लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको येलो कलर का आपको जूते फोर्स देखने को मिलेगा। वो मॉडल कुछ अलग था, वो मॉडल कुछ अलग है, उनके जूते फोर्स है मॉडल के नाम पर। हम आगे देखते हैं क्या डिस्क ब्रेक फ्रंट में भी मिलता है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाते हैं। सर कुछ डिटेल्स बता सकते हैं जैसे ड्राइविंग रेंज और टॉप स्पीड किलोमीटर वगैरह? सर इसमें दो बैटरीज आती है, लेड एसिड एंड लिथियम आयन। सो लिथियम आयन में आपकी रेंज रहेगी अराउंड 55 to 60 किलोमीटर्स एंड लेड एसिड में रहेगी 50 to 55 किलोमीटर्स। उस मॉडल का रेंज कितना है? इस मॉडल का सर रेंज जरा आपका रहेगा अराउंड 60 to 65 किलोमीटर्स लिथियम आयन में एंड लेड एसिड में 55 to 60 किलोमीटर्स। टॉप स्पीड सर 25। और बैटरी की वारंटी वगैरह? सर 3 years वारंटी बैटरी। तो कितने मॉडल आते हैं सर, कितने वेरिएंट आते हैं? सर करेंटली हमारे पास 8 मॉडल्स हैं लो स्पीड में, ये सारे हैं 6 ऑफ देम, 2 ऑफ देम नॉट हियर एंड हाई स्पीड में वी हैव 2 अपकमिंग मॉडल्स एंड अ बाइक। और सर प्राइस वगैरह? सर प्राइस में कौन सा मॉडल स्टार्टिंग प्राइस और लास्ट कितने? सर हमारा 50,000 से स्टार्ट होता है एंड 1 lakh प्लस तक जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं 50,000 से यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये नॉर्मल स्पीड में, और यहाँ पर जो है अपकमिंग में आपको हाई स्पीड वाले मॉडल देखने को मिलेंगे। तो अभी हम आगे उस साइड भी चलेंगे, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये दोनों मॉडल आई थिंक ये दोनों मॉडल सेम है, इसमें आपको कलर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ लाइटिंग वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाता है और टेलीस्कोपिक फोर्स सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको कवर देखने को मिल जाता है। तो उस साइड में यहाँ पे आपको कार की तरह जो होता है यहाँ पर मिल जाता है। उधर साइड में तीनों के लिए चेक कर तीनों के लिए कुछ डिफरेंट कुछ अलग लुक, इसमें कुछ आपको अलग लुक देखने को मिलता है, इसमें कुछ अलग लुक आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट में, चलते हैं यहाँ पे आप
इंजन को लेकर यहाँ पर जीटी फोर्स को ही एक अलग वाला लुक आप देख सकते हैं। जीटी फोर्स में सब में स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है और इसमें जो है आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। फ्रंट एरिया दोनों में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। यहाँ आपको लाइट वगैरह देखने को मिलता है। जीटी स्टॉल लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये फ्रंट से आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ये जो डिलीवरी वगैरह जो जोमेटो वगैरह में काम करते हैं उनके लिए सारी स्कूटी जो स्कूटर है ये काफ़ी हेल्प होने वाला है, क्योंकि बैक साइड में भी आप इसमें लगेज कैरी कर सकते हैं, फ्रंट में भी आप इसमें लगेज कैरी कर सकते हैं, जो काफ़ी कॉम्पैक्ट में आपको जो इजीली आपको सामान कैरी करने में ये मदद करते हैं। जो डिलीवरी बॉय करते हैं और उनको थोड़ा पैसे बताना, तो ये बाइक स्कूटर वगैरह लेके इलेक्ट्रिक वाला, तो इसमें आपको थोड़ा सा कम बजट लगता है पेट्रोल वाले की तुलना में। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क ब्रेक GT1 को यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलता है। और बैक साइड में भी आपको GT1 लिखा हुआ देखने को मिलता है उसका। यहाँ यहाँ पर देखें तो इसका भी कुछ अलग ही इसमें फ्रंट में लुक देखने को मिलता है। डिस्प्ले वगैरह है तो सब में आपको अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। तो सर इसका कुछ डिटेल्स बता सकते हैं? बिल्कुल सर जी बताइए। इधर आओ स्टार्ट इंग्लिश और हिंदी कुछ भी चलेगा। ये GT प्राइम प्लस है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आती है, एडवांस फीचर हेडलाइट है, प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, फ्रंट डिस्क ब्रेक GT फोर्स, बॉडी क्वालिटी आप देख सकते हैं प्लास्टिक क्वालिटी बड़ी अच्छी है, LED इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, कलरफुल डिस्प्ले है इसके अंदर। एक बार डिस्प्ले दिखा दीजिए। हाँ सर अभी कनेक्शन नहीं है। नो अच्छा स्टाइलिश हेडलाइट। और रेंज इसका सर कितना होने वाला है? वन सिंगल चार्ज में सर 60-70 किलोमीटर का रेंज आता है। टॉप स्पीड? टॉप स्पीड इज अप्रूव्ड इन लो स्पीड मॉडल, टॉप स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर। 25। और सर ये चार्जिंग टाइम कितना इसका? चार्जिंग टाइम फॉर लेड एसिड इज 4-5 आवर एंड फॉर लिथियम आयन इट इज 8-9 आवर। सर इसका प्राइस सर कितना होने वाला है? सर ऑन रोड प्राइस इसका 60,000 प्लस GST। ठीक है थैंक यू। तो ये आपको ये नॉर्मल स्पीड वाले, अब चलते हाई स्पीड वाले मॉडल की तरफ। तो यहाँ से हम चलते हैं हाई स्पीड मॉडल की तरफ। तो वैसे तो मैं आप यहाँ पर मॉडल भी देख सकते हैं काफ़ी मिलते हैं मॉडल की तरफ। चले तो यहाँ पर ये हो जाते हैं ये नॉर्मल स्पीड वाले हैं, ये हाई स्पीड वाले मॉडल आपको मिलना होगा। यहाँ पर आपको ये बाइक देखने को मिल रहा है। पहले आप जो देख रहे थे वो स्कूटर में था, यहाँ पर आपको ये बाइक देखने को मिलने वाला है। काफ़ी फीलिंग वाला बाइक इसमें आपको देखने को मिलने वाला, जो कि आपको जो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प वगैरह देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिल जाता है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, अपोलो के टायर देखने को मिल जाते हैं। और टायर साइज के बारे में बात करें तो 180x17 सेंटीमीटर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको डुअल डिस्क देखने को मिलता है, इस साइड में आप डिस्क ब्रेक देख सकते हैं और इस साइड में भी आप डिस्क ब्रेक भी देख सकते हैं, डुअल डिस्क मिल जाता है। तो फेयरिंग में ये बाइक है और यहाँ पे आपको लाइटिंग वगैरह देखने को मिल जाता है और यहाँ पे पेरिली लिखा हुआ है। तो पेरिली का तो कुछ बाइक देखते हैं तो 3 years warranty provided for this bike. And sir, what about the charging point? Graphics. Yeah. Sir, इसका कुछ details बता दीजिए। सर ये कौन सा व्हीकल है? अभी टेस्टिंग में है। अच्छा टेस्टिंग में है। यस अभी भी टेस्टिंग मोड में है। लॉन्च करेंगे भी 3000 watt मोटर। 2023 में? नहीं 23 में नहीं। और मोटर का पावर है 3000 watt का। अच्छा मोस्टली प्लानिंग टू लॉन्च पे नेक्स्ट दिवाली लॉन्च करेंगे। अभी टेस्टिंग बोर्ड में है तो मोस्ट जो और कुछ रिवील कर नहीं पाऊंगा मैं वेरी सून, विदिन ए ईयर आपको ये मिल जाएगी रोड को। अच्छा तो सर अभी रेंज वगैरह कुछ बता सकते हैं? टेस्टिंग वी गॉट इज अराउंड 170 रेंज। 170? यस 170 एंड टॉप स्पीड वाज 100। तो R&D टीम इज वर्किंग ऑन इट, मोस्ट प्रोबेबली मोर इंप्रूवमेंट बेटर फीचर्स वी लॉन्च बाय नेक्स्ट दिवाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो टेस्टिंग में 170 किलोमीटर का जो है रेंज इन्होंने अभी पाया हुआ है। आगे भी अभी टेस्टिंग के दौरान और भी हो सकता है कि रेंज बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, बट अभी जो है लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो लुक इसका काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है, क्योंकि देखने में आपको स्पोर्ट्स बाइक लगने वाले और हाई स्पीड ये बाइक होने वाले जैसे रेंट के लिए बताया। तो यहाँ पर आपको
ये लाइटिंग वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वाइजर वगैरह देखने को मिल जाता है, ये अभी टूट चुका है, ये वाइजर वगैरह। यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि आपको डिजिटल मिक्सर और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हजार लाइट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हजार लाइट का। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सिर्फ बाइक जैसा है, तो उस साइड से चलते हैं तो बैक साइड से आपको देखते हैं। बैक साइड चलते हैं, स्पेस कम तो बैक साइड में देखते हैं। बैक साइड से इस तरीके से रियर में भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, मोनो सस्पेंशन देखने को मिलता है। जैसा बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो आने वाली 2020 दिवाली है, उस टाइम तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये कुछ यहाँ पर इंटरव्यू और यहाँ पर खूबसूरत मॉडल खड़ी है।